बॉम्बे हॉस्पिटल के कुछ मुंबई के स्पेशल और जाने माने डॉक्टर, लगभग 20-25 डॉक्टर जमा हो गए और मेरे बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं कुछ कहना चाहता हूं, डॉक्टर कहते बेटी है, बेटी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। बोला मेरा बेटा है, यस हमें पता है, प्लीज खामोश रहे, आपको कुछ बोलने ना दे, हम कुछ कर रहे हैं। और एक डॉक्टर ने जब उल्टा लटका कर इंजेक्शन लेकर जब उसमें से खून निकलने लगा और उल्टा लटका कर जब उसको हथौड़ी से उसकी हड्डी पर मार रहे थे और कुछ कुछ कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ू और उसको, मैं भूल गया था कुछ समय के लिए मैं अजय चौहान हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं पास्टर हूँ। बेटे का दर्द देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपने भी कई बार देखा होगा, सुना होगा, बच्चे में मोहल्ले में बच्चों लोग का झगड़ा होता है और किसी ने हाथ लगा दिया तो हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। छोटे बच्चों के मामले में मोहल्ले का झगड़ा हो जाता है क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि इस डॉक्टर को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वो पिक्चर मेरे सामने आया, मैं एक कमजोर इंसान, मामूली इंसान, अपने बेटे को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुदा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, बाइबल कहती है यशाया 66 में, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर यशाया के किताब में लिखा है 55 में, यहोवा को भाया कि उसके एक लौते बेटे को जिसके कदमों में सारी दुनिया है, वही दुनिया अपने पैरों तले उसे कुचल रही थी, रौंद रही थी। ऊपर बैठा वो सब देख रहा था, कैसे बर्दाश्त कर लिया। जब मैंने नया नया गाना शुरू किया था और आराधना करना शुरू किया था तो मेरे कलीग, मेरे पड़ोसी, मेरे घर के लोग, मेरे चर्च के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई अजय जब आप आराधना करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप प्रचार करते हो तो नींद आती है, आपके आराधना में, आपकी प्रार्थना में बिल्कुल अभिषेक नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा बट इस चीज को मैंने पॉजिटिव लिया। Amen? उद्धार फ्री है लेकिन उद्धार पाने के बाद अगर आपको अनॉइंटिंग चाहिए, आपको सेवकाई चाहिए, आपको दान वरदान चाहिए या कुछ भी अगर खुदा के ओर से चाहिए तो उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है और वो कीमत पैसे की नहीं है, अलग अलग कीमत चुकानी पड़ती है। अब्राहम विश्वासियों का पिता इसलिए कहलाया गया और खुदा का दोस्त कहलाया गया जब उसने अपने एक लौते बेटे इसहाक को वेदी पे चढ़ाया, एंड दैट वॉज नॉट द ईजी फॉर हिम। एक बाप, एक मां अपने बच्चे को इंजेक्शन लगाते हुए देख नहीं सकते तो एक बेटे को जो उसका खुदा के बाद इस संसार का सबसे हसीन, सबसे प्रिय चीज है, उसको कैसे वो वेदी पे चढ़ा सकता है। लेकिन वो वही कर सकता है जिसके अंदर खुदा का दिल होता है और जिसके अंदर खुदा का नेचर होता है, खुदा का स्वभाव होता है। आमीन। और जब वो खुदा का दोस्त हो गया, एक दोस्त अपने दोस्त को सबसे बेस्ट गिफ्ट देता है क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड होता है और दुनिया की सबसे बेस्ट चीज, कीमती चीज उसका बेटा, एक लौता बेटा इसहाक था। और कहीं ना कहीं खुदा इसहाक के जरिए अब्राहम को बताना चाहता था, रियलाइज कराना चाहता था, अपने एक लौते बेटे को देने के बाद देखो तुम पर क्या बीतती हो, खुद पर क्या बीतती है, वो उसको रियलाइज कराना चाहता था। मैंने इसको एक टैगलाइन दिया है, अगर इसहाक अगर टीजर है, इसहाक अगर ट्रेलर है तो यीशु मसीह न्यू टेस्टमेंट का पूरा पिक्चर है। हालेलुया। और इसहाक को ओल्ड टेस्टमेंट का यीशु मसीह कहा गया है। बट अब्राहम
खुदा का सबसे बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए संसार की सबसे बेस्ट ऑफरिंग यानी अपने एक लौते बेटे को वो वेदी पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। और अब्राम ने कहा, ऐ खुदा, मेरे अंदर भी, मेरे रगों में भी तेरा खून है, ये इसहाक तो तेरा ही है। मैं तो 100 साल का था, इतिहास कहता है, विज्ञान कहता है 60 साल के बाद कोई भी बाप नहीं बन सकता, मैं तो 100 साल की उम्र में बाप बना हूं, तो तेरे लिए एक इसहाक क्या, मैं तो 1000 इसहाक को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तू मेरा जमीन और आसमान में स्वर्ग में सबसे बेस्ट फ्रेंड है। आमेन। और मैं रोया और मैं बोला, प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए। खुदा ने कहा, तुझे भी एक कीमत देनी पड़ेगी, और मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत थी। मैंने 120 दिन उपवास रखा। प्रेज द लॉर्ड। जिस सिंगर ने कहा, जिन लोगों ने कहा, आज उन्हीं के साथ में खड़ा होकर मैं स्टेज पे आराधना करता हूं। आमेन। और ये अभिषेक पाना आसान नहीं है, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, पहली बार जब मैं पिता बना, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ी बातें बताई थी, उसका सेकेंड पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने मुझे कहा था, आप कभी बाप नहीं बनेंगे, लेकिन मैंने विश्वास से आपको बताया लास्ट टाइम भी, आप यूट्यूब में दोबारा जाकर आप देख लीजिएगा, मैंने विश्वास से बड़े बेटे का नाम आदि अजय चौहान रख दिया, उसके नाम से ईमेल आईडी बनाई, और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। और प्रभु ने मेरे विश्वास का सम्मान किया, मैंने बेटा मांगा था, बेटा ही दिया, मुझे म्यूजिशियन चाहिए था, म्यूजिशियन दिया, वो शायर चाहिए था, शायर बन गया, वो मेरी तरह ऑलराउंडर है, वो म्यूजिशियन है, सिंगर है, शायर है, और हर चीज में वो मेरे जैसा है, लेकिन एक कदम पढ़ाई में मुझसे आगे, बल्कि एक कदम नहीं 10 कदम आगे है। मैं 12वीं में आते आते 10 बार फेल हुआ, वो 1 बार भी फेल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये लंबी कहानी है, मैं फिर कभी बताऊंगा। प्रभु ने चाह तो मेरे दोनों बेटों को एक दिन लाऊंगा और मैं लाइव में आपको गवाही दूंगा। ध्यान से सुनिएगा, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा 2012 तक, और 29 दिसंबर तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक दिन मेरी पत्नी कहती, मुझे दूसरा बेटा चाहिए, मेरे लड़के को भी दूसरा बेटा चाहिए, मेरी मम्मी को भी दूसरा बेटा चाहिए, दूसरी संतान चाहिए, क्योंकि मेरे दादा अकेले थे, मेरे परदादा अकेले थे, मेरे पिताजी अकेले थे खानदान में, और मैं भी अपने खानदान का एक लौता वारिस था, तो मेरी माँ को, मेरी पत्नी को दो चाहिए था, और हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 बेटे हुए। आमेन। लेकिन दूसरी बार जो था वो बड़ा आसान नहीं था। पहली दफा खुदा ने मेरे विश्वास का सम्मान किया, लेकिन दूसरी बार जब मैंने पिता बना, तो वही खुदा जो इसहाक को देता है, वो मांगता भी है टेस्ट करने के लिए, वो ये देखता है कि इसहाक को ज्यादा प्यार करता है या इसहाक के परमेश्वर को ज्यादा प्यार करता है। तो दोबारा दूसरी बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ कुछ जो अब्राहम के साथ में हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज की पीढ़ी को चैलेंज करता हूं, मैं उनको ये क्या बोलते हैं, मैं उनको वार्न करता हूं, मैं उनको एंकरेज करता हूं, और सभी लोगों को ये कहता हूं, अय्यूब के परमेश्वर के बारे में प्रचार करना बड़ा आसान है, अब्राम के बारे में प्रचार करना बड़ा आसान है, लेकिन क्या आप और हम न्यू टेस्टमेंट का अय्यूब बनने के लिए तैयार है? क्या न्यू टेस्टमेंट का या फिर लुधियाना पंजाब का आप अय्यूब या अब्राम बनने के लिए तैयार है? उसके लिए बड़ा जिगर, उसके लिए बड़ा दम चाहिए, उतना ही बड़ा विश्वास चाहिए। हालेलुया। ये आसान नहीं है। मैं आज आपको खुदा के दर्द को इंट्रोड्यूस करूंगा, आज मैं मेरे बेटे के दर्द को इंट्रोड्यूस करूंगा, और मेरा भी दर्द आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। जिसने एक बार अपने जिंदगी में यीशु के दर्द को जान लिया, पहचान लिया, उसके बाद उसके ऊपर कितनी भी मुसीबतें आए, वो बंदा यीशु को छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
आपने भविष्यवाणी के बारे में सुना होगा, बहुत अच्छी बात है। आपने आशीष के बारे में सुना होगा, ओ चिन्ह चमत्कार के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप चंगाई के पीछे न भागे, आशीष के पीछे न भागे, भविष्यवाणी के पीछे न भागे। ये एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर हम यीशु के पीछे भागते हैं, आशीष भी मिलेगी, चमत्कार भी मिलेगा, लेकिन सबको देने वाला जिसके अंदर सब कुछ है वो यीशु जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। आमेन, हालेलुया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, सडनली हमारे मसीह जीवन में, सेवकाई में एक ट्विस्ट आता है, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आता है। 2012 29 दिसंबर 1:15 बजे डॉक्टर का रिपोर्ट आता है मेरी पत्नी के हाथ में। वो मुझे फ़ोन करके बुलाती है, मैं दौड़ा चला जाता हूँ बॉम्बे अस्पताल में। दोबारा हम रिपोर्ट टेस्ट करते, सारा चीज टेस्ट करते हैं, और सडनली डॉक्टर कहता है कि आपका बेटे का हालत बहुत ही भयानक है। वही डॉक्टर जो कह रहे थे सब कुछ ठीक है, लेकिन वही डॉक्टर सडनली कहते हैं कि अचानक आपके बेटे की हालत गर्भ अवस्था में बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही गंभीर है। आपका बेटा, आप जब जन्म देंगे उसे, आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे, उसका फेस इतना भयानक होगा, उसकी हालत इतनी भयानक होगी, आप जिंदगी भर आपको एक जिंदा लाश की तरह, मुर्दे की तरह उसको लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप महाराष्ट्र के बाहर जाए, और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा अबॉर्ट करा दीजिएगा। मैंने कहा, और उन्होंने ये भी कहा था, 99.99% आपका बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता, 1% सिर्फ चांस है, वो भी हम नहीं कह सकते। तो मैंने डॉक्टर को विश्वास में कहा, 99% आप रखिए, 1% हमें दीजिए, वो एक के आगे मेरा हीरो 2-0 लगा के 100% ठीक कर सकता है। बढ़िया, आसान नहीं था, बड़ा ये आसान नहीं था। फिर हम लोग हॉस्पिटल से बाहर आ गए, सारी दुनिया को हंसाते, सारी दुनिया को एंकरेज करते, एक दिन में 5,500 फोन हमें आते, एंकरेज करते हैं, लेकिन जब ये रिपोर्ट मेरे हाथ में आया कि आपके बेटे की हालत ऐसी है, तो मैं और मेरी पत्नी लिपट कर रोने लगे। वहां पे सिवा यीशु के कोई और नहीं था हमारे आंसू को पोंछने का। फिर हमने विश्वास में कदम उठाया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो बेटा मेरा नहीं है, वो यीशु का है। मैं तो टेम्पररी बाप हूँ, वो तो अनंत काल का पिता है। मैंने गर्भ में ही यीशु मसीह को सरेंडर कर दिया, अभिषेक कर दिया, समर्पित कर दिया। ये बेटा आज से, अब से दुनिया में आएगा, दुनिया में जब भी रहेगा, ये तेरा है प्रभु, जो आपको करना है वो कीजिए। आमेन, हालेलुया। अब इस परीक्षा में मैं धीरे धीरे मैच्योर्ड हो रहा था, परिपक्व हो रहा था, मैं और प्रभु के खुदा में मजबूत हो रहा था। बिना टेस्ट के टेस्टमनी नहीं होता है, बिना टेस्ट के लाइफ में टेस्ट नहीं होता है, बिना टेस्ट के ना मनी होता है ना टेस्ट होता है, हालेलुया। और बिना चैलेंज के कोई चैंपियन भी नहीं होता है। ये चैलेंज आ रहा था हमें चैंपियन बनाने के लिए, ये टेस्ट आ रहा था हमें योद्धा बनाने के लिए। हमने डिसाइड किया उसको जन्म देंगे, लेकिन कहानी आसान नहीं था। आप ध्यान से सुनिए यहां से क्या होता है। फाइनली डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सर बहुत बड़ा हो चुका है, तरबूजे की तरह, कलिंगड़ की तरह, और उसका शरीर जो है वो 1.25 किलो का, ये आधा अधूरा है, आप फेस नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए हम इस बच्चे को जन्म देंगे। हमने डिसाइड किया, फाइनली 5 जनवरी को 1:15 बजे बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे ही डॉक्टर ने मेरे हाथ में बेटे को दिया, सबसे पहले मेरा ध्यान जो है उसके सर पे गया। सर नॉर्मल था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा चमत्कार, डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, लेकिन चमत्कारिक तौर पर हमने दवा नहीं लिया, इंजेक्शन नहीं लिया, चमत्कारिक तौर पे नॉर्मल डिलीवरी हुई। आमेन, हालेलुया। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा चमत्कार, मैं समझता हूँ ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था, जो डॉक्टर ने कहा था बहुत ही भयानक होगा, आप अपने बच्चे के फेस को फेस नहीं कर पाएंगे,
लेकिन जब मैंने गोद में अपने बेटे को हाथ में लिया, प्रेज द लॉर्ड, ये तीन मिरेकल काफी थे हमें उसको डेडिकेट करने के लिए, उसके साथ जीने के लिए, उसको हमारे साथ जीने के लिए। मेरे खानदान में, हमारे समाज में, मेरे बीवी के खानदान में, मेरे खानदान में सबसे खूबसूरत बच्चा अगर कोई था, कोई है, वो मेरा बेटा एनोश था और एनोश है। खुदा, इससे और बड़े मिरेकल नहीं चाहिए, क्योंकि पहला मैं बच्चा था, बच्चों की सी बातें करता था। बच्चा हमेशा चॉकलेट मांगता है, ये मांगता है, वो मांगता है, मम्मी को और पापा को हमेशा बिल ही देते रहता है, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वही बच्चा जब मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो वो पापा को बोलता है, ओ डैडा, तूने जिंदगी भर मुझे देता रहा है, आज मेरी बारी है, बोल तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे साथ बाजू बनकर, तेरा कंधा बनकर कर, मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी सेवकाई को आगे बढ़ाऊंगा, अभी मेरी बारी है, जो तुझे चाहिए वो। और धीरे धीरे मैं यीशु की तरह दुआ करने लगा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं परंतु प्रभु। हालेलुया। एक बात बताना चाहता हूं, वो 6000 साल से चमत्कार करते आ रहा है, वो चमत्कार करे या ना करे, फिर भी वो चंगा करता है। उसको और एक प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि वो परमेश्वर है या नहीं है, वो ऑलरेडी परमेश्वर है, वो हमारा बिग बॉस है। मैंने कहा, प्रभु ये तीन चमत्कार मेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। अब यहां से कहानी कुछ और होती है। मेरी वाइफ को जब डॉक्टर ने कहा था, 3 दिन तक वो बच्चे को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, और फाइनली नर्स ने उसको डांटा, चिल्लाया, कैसी माँ है तू, बच्चा दूध के लिए तड़प रहा है, रो रहा है, और तुम पिलाना नहीं चाहती हो, जाओ बच्चे को दूध पिलाओ जाकर। तो फाइनली किसी तरह मेरी बीवी आईसीयू में, एनआईसीयू में गई। किसी का सर बहुत बड़ा था, किसी का मुंह नहीं था, किसी के कान नहीं थे, किसी के आंख नहीं थे, अलग 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 वो स्पेशल वार्ड था। और वहाँ पे जो नंबर लिखा गया था, वही नंबर का बच्चा मैच किया। तो वापस गई, उसने बच्चे को देखा, बोला डॉक्टर तो बोला बहुत भयानक है, लेकिन ये तो यहाँ पे जितने भी बच्चे सबसे ज़्यादा गोरा, फॉरनर की तरह, यू नो हम फॉरनर के पीछे भागते नहीं हैं, जो भागते प्रेज गॉड, उन्हें आशीष दे, हम उनके अगेंस्ट में नहीं, खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फॉरनर यीशु मसीह मेरे अंदर है। हम फॉरनर के पीछे भागते नहीं है, लेकिन फॉरनर हमारे घर में, हमारे सेवकाई में पैदा होते। यीशु मसीह दो फॉरनरों को पैदा किया। हालेलुया। मेरे दोनों बेटे बहुत गोरे गोरे हैं, पास्टर सलीम खान की तरह गोरे गोरे हैं। हालेलुया। हेलो। जब मेरी वाइफ ने देखा, फिर नर्स को जाकर कही, मेरा बेटा तो है नहीं, किसी और का है। बोला तू अंधी हो गई, नर्स का लैंग्वेज आपको पता होगा, यहाँ की नर्सें बहुत अच्छी है, हम मुंबई की बातें कर रहे हैं, मैं लुधियाना का पराठा खाया है, मैं आपकी बुराई नहीं कर सकता। तो गई, बोला अरे मेरा बच्चा यहाँ नहीं है। उसने जाकर वापस नर्स ने बताया, देखो ये तुम्हारा नंबर, ये तुम्हारा बेटा है। मेरी वाइफ की आंखों में आंसू थे, वो उस वार्ड का और हमारे खानदान का सबसे खूबसूरत बेटा था। आमेन। हालेलुया। बाइबल कहती है, डॉक्टरों ने हमें शर्मिंदा किया, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन बाइबल कहती है, जो खुदा की बाट जोते हैं वो कभी लज्जित फज्जित नहीं होंगे, वो हमेशा तरोताजा होंगे, और जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमारा सर कभी झुकने नहीं देता है। आमेन। फिर ऐसे करते उसको आईसीयू में रख दिया गया। 7 दिन हो गए मुझे, ना मैं लेडीज वार्ड में जा सकता हूं, ना आईसीयू में जा सकता हूं। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। फिर 7 दिन हो गए, मैंने कहा मैं मेरे बच्चे को देखना चाहता हूं। ये 7 दिन की दूरी, गैप, फासला मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी वाइफ को कहा, कम से कम मोबाइल है, कैमरा में जाकर आप निकाल कर फोटो दिखाएगा, मैं मेरे बेटे को देखना चाहता हूँ कैसा है, क्योंकि 7 दिन हो गए। अंदर से एक आवाज़ आई,
जब अंधेरा होता है, जब अकेले होते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता है, उस वक्त यीशु दिखाई देता है और उस वक्त पवित्र आत्मा यीशु मसीह क्लियरली बात करता है। क्योंकि भीड़ में यीशु मसीह ज़्यादा बात नहीं करता, बहुत कम बात करता है, अकेले में यीशु मसीह ज़्यादा बात करता है। और जो सीक्रेट लवर होते हैं वो सीक्रेट प्लेस में ही ज़्यादातर अकेले में ही बात करते हैं। इसलिए अब्रा, मूसा, याकूब, ओ अफ्रीकन कंट्री का एक टैगलाइन है, एक स्लोगन है, वो कहते हैं अगर आप स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, कोई बात नहीं है, आप पहाड़ पे जाइएगा, वहां पे आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। हालेलुया। और जितने भी खुदा के लवर है उनकी ट्रेनिंग जंगल में ही हुआ है, भीड़ में नहीं हुआ है भैया, भीड़ में तो अपना भी बच्चा दिखाई नहीं देता है। हेलो, ये जन समूह फेलोशिप है, ये भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही अकेले में फेलोशिप खुदा के साथ में उतना ही जरूरी है जितना ये जरूरी है। आमेन, हालेलुया। 7 दिन हो गए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, अंदर से एक आवाज आई, खुदा ने कहा बेटा 7 दिन हो गए अपने बेटे की दूरी को तू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मैंने कहा डैडा खुदा आप क्या कहना चाहते हैं, जरा प्लीज बोलिएगा आप क्या कहना चाहते हो। खुदा ने कहा पत्रस के किताब में लिखा है, अलग अलग वचन में लिखा है, खुदा के राज्य में 1 दिन 1000 दिन के बराबर है। और अस्पताल में जब बच्चा होता है, अपना कोई होता है, एक एक दिन, एक एक साल, एक एक महीने के बराबर बीतता है, स्पेशली जब हमारा बच्चा होता है। तो मैं खुदा क्या कहना चाहता था मैं समझ गया, मैं मेरे बेटे की दूरी 7 दिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन खुदा ने अपने इकलौता बेटे यीशु मसीह को संसार में भेजकर 35.5 साल की वो लंबी गैप जो है, फासला है, हजारों 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 साल से, अनंत काल से जो पिता और पुत्र एकत्रित हुआ करते थे, उनके बीच में हवा भी नहीं आ सकती है, उनके बीच में दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं आ सकता है, इतने करीब रहने वाले परमेश्वर पिता पुत्र आपके लिए और मेरे लिए 35.5 साल के लिए वो अलग हो गए। और वो दूरी को बाप ने आपके लिए, मेरे लिए, लुधियाना के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए उस जुदाई को बर्दाश्त कर लिया। अगर वो दूर नहीं हो सकते तो आप और हम खुदा के करीब नहीं हो सकते थे, इसलिए खुदा ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर कुछ महीनों के बाद में, 3 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा बच्चे का 3 ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब ये सुना तो ऑलरेडी इतने सारे युद्ध, इतने सारे सब कुछ चल रहा है, और ये कहां से, एक दिन में 24 घंटे में 250 बार उसको फिट्स आते थे। ऐसी ऐसी बातें उसके जीवन में होने लगी, हमने अपने खानदान में, अपने परिवार में, अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। सब कुछ नया था हमारे लिए, नया एक्सपीरियंस था। फिर डॉक्टर के पास एडमिट किया गया और डॉक्टर ने 1 महीने 1.25 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए उसको फिर से स्पेशल वार्ड में रखा गया। और 10 दिन के बाद बॉम्बे हॉस्पिटल के कुछ मुंबई के स्पेशल और जाने माने डॉक्टर, लगभग 20-25 डॉक्टर जमा हो गए और मेरे बेटे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं कुछ कहना चाहता हूं, डॉक्टर कहते बैठिए बैठिए, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। बोला मेरा बेटा है, यस हमें पता है, प्लीज खामोश रहे, आपको कुछ बोलने ना दे, हम कुछ कर रहे हैं। और एक डॉक्टर ने जब उल्टा लटका कर इंजेक्शन लेकर, जब उसमें से खून निकलने लगा और उल्टा लटका कर जब उसको हथौड़ी से उसकी हड्डी पर मार रहे थे और कुछ कुछ कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा लग रहा था जाकर डॉक्टर का कॉलर पकड़ू और उसको, मैं भूल गया था कुछ समय के लिए, मैं अजय चवानू, मैं सिंगर हूँ, मैं पास्टर हूँ। बेटे का दर्द देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आपने भी कई बार देखा होगा, सुना होगा, बच्चे में, मोहल्ले में बच्चों लोग का झगड़ा होता है और किसी ने हाथ लगा दिया तो हमें बर्दाश्त नहीं होती है, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। छोटे बच्चों के मामले में मोहल्ले का झगड़ा हो जाता है क्योंकि किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि इस डॉक्टर को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वो पिक्चर मेरे सामने आया,
मैं एक कमजोर इंसान, मामूली इंसान, अपने बेटे को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो खुदा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, बाइबल कहती है यशाया 66 में, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। स्वर्ग अगर उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, इस वक्त आप और हम उसके कदमों के नीचे है। जिसने सांस फूका है उसको सांस छीनने का भी अधिकार है। वो इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यशाया के किताब में लिखा है 55 में, यहोवा को भाया कि उसके एक लौते बेटे को जिसके कदमों में सारी दुनिया है, वही दुनिया अपने पैरों तले उसे कुचल रही थी, रौंद रही थी। जब बच्चे को इंजेक्शन लगाते हैं ना, एक माँ खास करके, बाप आग बंद कर लेते हैं, देख नहीं पाते हैं। बट यीशु मसीह को, खुदा के एक लौते बेटे को, जब सारी दुनिया उसको कुचल रही थी अपने पैरों तले, यशाया 56:53 में लिखा है, 4-5-6 में आप पढ़ लीजिएगा घर में जाकर, ऊपर बैठा वो सब देख रहा था, कैसे बर्दाश्त कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ आपकी खातिर और मेरी खातिर खुदा ने, यहोवा ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फिर कुछ महीनों के बाद में उसका पहला ऑपरेशन हुआ। वहां पे मेरे घर के लोग थे, मेरे बीवी के परिवार के लोग थे, चर्च के लोग थे। ऑपरेशन थिएटर में मुझे बना कर दिया गया था, मैं देख भी नहीं पा रहा था, और मैं ये भी नहीं कह रहा था कि बेटा मैं तेरे दुख में, तेरे दर्द में, मैं तेरे साथ में हूँ। मेरा बेटा अकेला हो गया, मैं अकेला हो गया, मेरी बीवी अकेली हो गई, चारों तरफ से हम अकेले हो गए। मैं बोला, प्रभु ये कौन सा गुनाह मुझसे हुआ कि आज मैं अपने बेटे को दर्द में, अपने गोद में लेकर उसको चूम नहीं सकता, उसके दर्द को मैं कम नहीं कर सकता, ऐसा कौन सा मुझसे गुनाह हो गया। खुदा ने कहा, बेटा तू मसीह का सिपाही है। दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय में 3 में लिखा है, पौलुस तिमोथी को कहता है, एक अच्छे योद्धा के समान, उर्दू बाइबल में लिखा है, एक अच्छे मसीह के समान, वो कहता है कि मेरे साथ तू दुख उठा। हेलो, एक माँ और एक बेटी दोनों के बीच में ज्यादातर अनबन होते ही रहता है, जब तक शादी नहीं होती और जब तक एक बेटी माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के बाद जिस दर्द से वो गुजरती है बेटी, और उसके माँ को, उसके माँ का दर्द उसको एहसास होता है, ओ कैसे मेरी माँ मुझे जन्म देने के लिए, मैं अब अपने बच्चों को जन्म दे रही हूँ, जब वो खुद उस दर्द से गुजरती है तब जाकर अपनी माँ के दर्द को जान पाती है, तब जाकर वो बेटी नहीं बाद में सहेली बन जाती है। खुदा आपको और हमारे जीवन में कुछ दर्द को अलाउ करता है ताकि हम उसके दर्द को जाने, पहचाने, और इस दर्द में, उसके दर्द में हम शरीक हो जाए, और हम उसके 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 दोस्त बन जाए, उसके परिवार का, उसके सेवकाई का हिस्सा बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ऑपरेशन हुआ, बाहर लाया गया, और ऐसा हुआ कि वो उसका यहाँ सर से लेकर पांव तक पूरा घायल था, यहाँ से लेकर इधर तक चीर फाड़ किया गया था। छोटा सा बच्चा, 3-3.5 महीने के बच्चे का पूरा शरीर घायल था, पूरा शरीर लहू लुहान था। एक ऑपरेशन और 2 बाकी थे। मैं बोला, प्रभु ये क्या है। उसके बाद जैसे मैंने उसे देखा, मैंने आग बंद कर लिया आसमान की, और मैंने उठाया अपनी नजर को उठाया, तो उस वक्त मैंने क्रूस का नजारा दोबारा आसमान में देखा। जब यीशु के घाव को, यीशु के खून को, यीशु के जख्मों को जब मैंने क्रूस पे दोबारा आसमान में देखा, उसी वक्त मुझे रियलाइज हुआ, मेरा दर्द, मेरे बीवी का दर्द, मेरे बेटे का दर्द, मेरे यीशु के दर्द के आगे एक बूंद के समान है। जो दर्द, जो जख्म उसने मेरे लिए, आपके लिए उठाया है, उसके सामने आपका और मेरा दर्द कुछ भी नहीं है जो उसने आपके लिए, मेरे लिए उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बच्चे के लिए नहीं रोऊंगा, जो यीशु के बच्चे, जो उससे दूर है, मैं उसके लिए रोऊंगा। आमेन। किसी खुदा के बहुत बड़े खादिम ने कहा है,
मैं 10 से 12 मिनट में खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी खुदा के बड़े खादिम ने कहा है, खुदा सबको अपनी आशीष देता है, अपनी बरकत देता है, खुदा सबको अपना 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 क्या बोलता है, शांति देता है, सब कुछ देता है, लेकिन खुदा सिर्फ अपना, जो उसका अपना करीब होता है, उसको अपना दर्द देता है, उसको अपना दर्द बांटता है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने मेरे बेटे के दर्द के जरिए मैं मेरे बाप का दर्द को जान पाया। जब बेटा बच्चा होता है, बाप अगर टॉफी, बेटा बाप से टॉफी मांगे और बेटा जो बाप नहीं देता है, तो बच्चा रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, बाप से कुछ मांगता है, अगर बाप नहीं देता तो वो खामोश रहता है, क्योंकि बच्चा समझदार हो गया होता है। बाप कुछ दे या ना दे, बाप का जो कुछ भी है सब उसका है, हमारा है। यीशु मसीह हमें कुछ दे या ना दे, उसके खून के वसीले से स्वर्ग का सारा अधिकार, पृथ्वी का सारा अधिकार, सारी आशीषें यीशु के नाम से हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है। अब हमें अपने दर्द के लिए नहीं रोना है, अपनों के दर्द के लिए नहीं रोना है, यीशु के दर्द के लिए, यीशु के लोग जो उससे दूर है, जो नरक में जा रहे हैं, उनके लिए रोना है। कब तक हम अपने दर्द के लिए, अपने दुखों के लिए रोते रहेंगे? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सारी दुनिया अपने दर्द के लिए रोती है। जिस दिन आप यीशु के दर्द को जान जाओगे, आप यीशु के अपने लिए आप कभी नहीं रोएंगे, सिर्फ यीशु के लिए रोएंगे, यीशु के लिए रोएंगे। मैंने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना है, शायद आपने भी सुना होगा। मैंने एक प्रभु के बड़े प्रीचर के द्वारा, सेवक के द्वारा सुना कि जब वो स्वर्ग में गए, साधु सुंदर सिंह, सब खुश थे, यीशु मसीह भी खुश था, लेकिन साधु सुंदर सिंह खुश नहीं थे, मैंने ऐसा सुना है। तो यीशु ने पूछा, बेटा स्वर्ग में मैं तुझे मिल गया, स्वर्ग मिल गया, सब कुछ मिल गया, तू क्यों नहीं खुश है? तो साधु जी ने कहा, मुझे पता है स्वर्ग से खूबसूरत जगह और कोई नहीं है, सर स्वर्ग सबसे सुखदायक जगह है, वहां पे दर्द नहीं है, दुख नहीं है, आंसू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो मौका मुझे पृथ्वी पे था, धरती पे था, वो स्वर्ग में नहीं है। मैं जिंदगी भर खुदा मैं तेरे लिए दुख उठाता रहा, यहां पे सुख ही सुख है, स्वर्ग में सुख ही सुख है, लेकिन धरती पे है, मैं उम्र भर मैं आपके लिए दुख उठाता रहा, वो अपॉर्चुनिटी जो धरती पे है वह स्वर्ग में नहीं है। और बाइबल कहती है जो हम पृथ्वी पे बांधते हैं वही स्वर्ग में खोलते हैं। जितना दर्द, जितनी मुसीबत, जितनी तकलीफें यीशु के नाम के लिए, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता के लिए उठाएंगे, एक दिन सबसे बड़ा अवार्ड, रिवार्ड हमें स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। जो अजय चव्हाण छोटी छोटी बातों के लिए रोया करता था, अब वो रोना बंद कर दिया है, अब सिर्फ मैं यीशु के लिए रोता हूँ, उसकी मर्जी के लिए रोता हूँ, और उसके लोगों के लिए रोता हूँ जो उससे दूर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, उसके बाद मैं कुछ बताना चाहूंगा क्रूस पे क्या हुआ। जब नई नई शादी हुई मेरी, ये नेचुरल है, इसमें कोई गुनाह कोई पाप नहीं है। नई नई शादी हुई, हम मजबूरी में एक एरिया में रहते थे जहाँ पे बहुत सारा पाप गुनाह होता है। जब मेरी वाइफ पानी भरने जाती थी तो कुछ लोग बुरी नज़र से देखते थे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। यही बात जब मैंने मेरी सासू को कहा, उसको भी बहुत गुस्सा आता था। यही बात जब मैंने मेरे साले को कहा तो उनको भी बहुत गुस्सा आता था। एक ने मजाक में कुछ कह दिया था, मेरा साला हाथ उठाने के लिए मजबूर हो गया था, मैंने रोक लिया। जब एक बेटी या कुंवारी होती है, नई नई शादी होती है, कोई उसको गलत नजर से देखे
अपवित्रता से देखे, ना माँ को ना बाप को ना पति को ना खुद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं दो बार पिता बन चुका हूँ, इसका मुझे इल्म है और अच्छी तरह से पता है, और जितनी भी यहाँ पे मेरी बहन है, माता है, और आपको भी ये बहुत अच्छी तरह से मालूम है। जो शख्स हमें गलत नज़र से देखे बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन जब वही बहन, वही औरत, वही पत्नी जब माँ बनती है और बच्चे को अस्पताल में जन्म देते रहती है, उस वक़्त एक माँ को जिंदगी और मौत से, इज्जत से, शर्म से, बहुत सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। मुझे बाहर, जब पहली बार मैं पिता बना, मुझे बाहर रोक दिया गया। मेरी पत्नी बहुत चिल्ला रही थी, मैं दुआ कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अब उसके सामने बहुत से जेंट्स डॉक्टर थे, उसके सामने बहुत से लेडीज डॉक्टर थे। जो औरत को गुस्सा आता था, अब आने वाले एक छोटे मेहमान के लिए, बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर ले रही है, क्योंकि उसके अंदर एक नया मेहमान, एक नया जीवन पैदा होने जा रहा है। उस बच्चे की खातिर, उस मामूली एक छोटे बच्चे की खातिर वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। अगर एक छोटे बच्चे के जान में उसमें इतनी 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 ताकत है कि एक माँ को सब कुछ बर्दाश्त करने पे मजबूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह को क्रूस पे जब थूका गया, उसको वस्त्रहीन करा गया, वो जिंदगी और मौत से गुजर रहा था, वो शर्म से, इज्जत से गुजर रहा था, बहुत चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन यीशु ने आपकी खातिर, मेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि उस दिन आपका और मेरा नया कलीसिया का नया जन्म होने वाला था, इसलिए यीशु ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मैं परमेश्वर के मंदिर में हूँ, मैं उसके पवित्र हुजूर में इसके लिए सिर्फ पवित्र बातें करूँगा। हालेलुया। जिसने यीशु के दर्द को जान लिया वो कभी अपने लिए नहीं रोएगा, उसके गर्दन पे तलवार भी रख दे तो वो कभी पीछे मुड़कर भागेगा नहीं। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ। कई बार ऐसा लगता था जब डॉक्टर कहते थे, लोग कहते थे, हमारे अपने मसीह लोग भी ताने मारते थे, हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे, इस बच्चे की कैसे परवरिश करेंगे, लेकिन प्रभु ने उल्टा कर दिया। हम सोचते थे उस बच्चे को कैसे पालेंगे, लेकिन आज वो बच्चा 9 साल हो गया बिस्तर में है, लेकिन वो हमें पाल रहा है, हमें पाल रहा है। हम उसे नहीं पाल रहे, बल्कि खुदा उस बच्चे के जरिए हमें पाल रहा है। लोग कहते थे पहले ये अजय चौहान है, लेकिन आज वही लोग कहते हैं ये एनोश का पप्पा है, ये एनोश का पप्पा है, ये एनोश का पप्पा है। हालेलुया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी माताओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो जो भी करता है वो भला करता है, क्योंकि उसके नेचर में ही भलाई छुपी है, कोई बुराई नहीं है। वो जो भी करता है वो भला करता है। अगर ये दर्द नहीं होता तो मैं खुदा के और करीब नहीं आता। आमीन। हालेलुया। वो ताने सुन सुनकर मैंने बहुत सारे गाने लिखे, 71 गाने लिखे। मैं अपने आप को 21 सेंचुरी का दाऊद कहता हूं, कि दाऊद हर परिस्थिति में गाने लिखता था। आमीन। अस्पताल में लगभग 71 सॉन्ग्स मैंने लिखे, और एक दिन मैंने सवाल किया खुदा से, 6 बच्चे कोमा से बाहर आ गए गाना सुनकर, अब्बा खुदा, किसी का ब्रेन ट्यूमर चला गया, किसी का कैंसर चला गया, 2 लोग जिसका डिवोर्स हो चुका था इस गाने के जरिए, दोनों का कैंसिल हो गया। एक यही गाना अब्बा खुदा ने और उसकी टेस्टिमनी ने मुझे लगभग 20-22 कंट्री में लेकर गया, कई बड़े बड़े जगहों पे मुझे प्रभु लेकर गया।
मैं बोला प्रभु इतने सारे चमत्कार अगर उसके जीवन में हो रहे, उसके जीवन के, उसके गवाही के जरिए, उसके गानों के जरिए हो रहे, तो उसके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं उसके जीवन में चमत्कार नहीं करूंगा बल्कि उसे ही चमत्कार बना दूंगा। हमारे मुंबई में एक पास्टर साहब आए थे चीफ मिनिस्टर को मिलने के लिए। उनसे वो 2 घंटा मिले लेकिन मुझसे सिर्फ 10 मिनट मिले, और 10 मिनट मिलने के बाद वो कहते हैं जो चीफ मिनिस्ट्री से नहीं सीखा, जो 10 साल में मैंने जो सेवकाई में नहीं सीखा, वो 10 मिनट में आपसे मिलकर सीख रहा हूँ आपके बेटे को देखकर। आमेन, हालेलुया। प्रभु हमारा भला और स्वार्थी परमेश्वर है। स्वार्थी मतलब उसके पास एक ही लालच है, किसी भी जरिए, चाहे दुख के जरिए, सुख के जरिए, वो आपको और करीब लाना चाहता है। आमेन, हालेलुया। हम अपने दुख के लिए रोते, थोड़ा सा कुछ हो गया तो हम शिकायत करने लगते हैं, बट क्रूस का मैं एक पिक्चर आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये देखने के बाद आप, मैं विश्वास करता हूँ आप कभी रोएंगे नहीं। आमेन। यीशु मसीह का पूरे शरीर का वजन लगभग 85 किलो था, 85 किलो। अब 85 किलो का इंसान कितना वजन उठा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 100 किलो, राइट? लेकिन यीशु मसीह को जो क्रूस उसके बदन पे लटकाया गया था, ये कहीं से मुझे इंफॉर्मेशन मिला, मुझे स्वर्ग से ईमेल या व्हाट्सएप नहीं आया, कहीं से मुझे, जैसे पास्टर साहब बहुत किताब पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं से। स्कूल में 10th में 7 बार फेल हुआ, 12th में 3 बार फेल हुआ, लेकिन प्रभु में जब से आया कभी फेल नहीं हो रहे, पास ही होते जा रहे हैं, क्योंकि यीशु के डिक्शनरी में नापास नहीं है, सिर्फ पास है, क्योंकि हम उसके पास है। जो यीशु के पास होता है वो हमेशा पास होता है, फेल नहीं होता है। 200 करोड़ की बात मैंने फुगट में कही, कंजूस लोग ताली तो बजाइए। हेलो, अब 85 किलो का आदमी ने 150 किलो का क्रूस उठाया और गोलगत्ता जाते जाते वो 3 बार गिर गया और 3 बार खुद ने उठाया। एक ही बार बीच रास्ते में कोई मिला जो उसे थोड़ी समय के लिए मदद किया। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है उस क्रूस की लंबाई कितनी थी? 15 फीट, 5 फीट 11 इंच का इंसान 15 फीट का क्रूस उठा रहा है। उसकी चौड़ाई 8 फीट की थी, उसमें जो कीले ठोके गए थे वो 3x4 के इंच इतने लंबे थे। आप शायद इज़राइल गए रहेंगे, वो कांटे इतने लंबे लंबे हैं। हेलो, वहाँ के पत्थर इतने, एक शॉट में मारेंगे ना ख़त्म हो जाएगा इंसान। वहाँ पे कई बार वो गिड़ आया, कई बार गिरा, लेकिन वो गिरता गया लेकिन उठता भी गया। हालेलुया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया सिर्फ और सिर्फ आपसे और मुझसे उसको मोहब्बत थी, उस मोहब्बत की खातिर वो सब कुछ उठा लिया। दूसरी बात, आमेन, हालेलुया। 3 बार गिरा गोलगता जाते जाते, जो खुदा, जब ये मैं बोलता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल होता हूँ, मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं, जिसने दरिया बनाया है, जिसने, जो जीवित झरना है, जो अनंत काल का झरना है, उसके अंदर पूरा दरिया समाया हुआ है, जिसने दरिया बनाए, जिसने बारिश बनाए, जिसने इतने बड़े बड़े तालाब बनाए, नदियाँ बनाए, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर 17 घंटा तक क्रूस पे एक बूंद पानी के लिए प्यासा रहा, 17 घंटा तक। हम 17 मिनट भी ऐसी गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया आपके लिए, मेरे लिए। आमेन, हालेलुया। इतना ही नहीं, मैं 100 में से सिर्फ 3% या 4% ही बता रहा हूं, 94% आपको पूरा 100% स्वर्ग में जाने के बाद मिलेगा। बाइबल में भी जो लिखा गया वो भी शायद 2% या 3% ही है।
यीशु के कुर्बानी उसके घाव के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, उसके बदन पे, पूरे बदन पर 5840 घाव थे। कितना? 5840। सिर्फ उसके बदन पर, पीठ पर 150 घाव थे, सिर्फ पीठ पर। और बाइबल कहते उसके शरीर में इतने घाव थे कि मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो कांटों का ताज उसको पहनाया गया था, सिर्फ सर पर 17 कांटे थे उस कांटों के, इसमें 17 कांटों को छुपाया गया था, 17 कांटे थे उसके सिर पर। इसके बारे में जरा रिसर्च कीजिएगा आप। हेलो, सिर्फ गूगल में घूमते रहेंगे, गूगल में खुद भी आप घूम जाइएगा। कुछ तो रिसर्च कीजिए यीशु के बारे में, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, वो बहुत कुछ आपको आपको पता चलेगा। और इतना ही नहीं, उसके बदन से लगभग 6.5 लीटर खून जो है पूरा बहाया गया था, एक बूंद भी बचा नहीं था। पूरा बदन का खून 6.5 लीटर लगभग पूरा बहाया गया। आमेन। एक व्यक्ति है, एक के लिए एक, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग होने चाहिए, बट 400 सैनिक उसको मारते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए, खींचते हुए लेकर गए। 350 सैनिक थे और 50 सिर्फ घुड़सवार थे। आप रिसर्च कीजिए, पास्टर शायद आपको और बेहतरीन बताएंगे। उस जमाने के सैनिक सोल्जर बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, और ऐसा कहा जाता है एक ही फटके में कई बार कैदियां खत्म हो जाते थे। पर यीशु ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया आपकी खातिर और मेरी खातिर। एक बात बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं, स्पेशली हमारी बहनें और आजकल भाई लोग भी, चेहरे में एक थोड़ा सा दाग लग जाए, उस दाग को मिटाने के लिए, ताकि उसकी खूबसूरती बनी रहे, लाखों हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। और हमने सुना है कि कुछ चीज़ें हैं तो लोग सर्जरी भी करते हैं, बट दुनिया का सबसे खूबसूरत खुदा आपके लिए, मेरे लिए सबसे बदसूरत बन गया, क्योंकि लिखा है बाइबल में, यशायाह की किताब में, उसकी सुंदरता पूरी तरह से चली गई थी। हम कई बार एक दूसरे को देखते, एक दूसरे का पाप जब नजर आता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, लेकिन 3 घंटे के लिए लगभग हमारे सारे संसार का भयानक पाप जब यीशु के चेहरे पे आ गया था, उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत, भयानक हो चुका था, और खुदा ने 3 घंटे के लिए मुंह फेर लिया था। याद रखना जो सुबह मैंने कहा था, अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो ये उंगली एक आपकी और है, राइट, और एक स्वर की ओर है, और 3 उंगलियां किधर है? मेरी तरफ है। हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, ये 3 लोग, फादर, सन, होली स्पिरिट, हमारे खिलाफ हो जाते हैं, खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सारी दुनिया से यीशु आपको बचा सकता है, अगर यीशु आपके खिलाफ हो गया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको और मुझे नहीं बचा सकती है। आमेन, हालेलुया। आपकी मेरी सारी सुंदरता यीशु मसीह ने अपने ऊपर, सॉरी, सारे पाप, श्राप अपने ऊपर ले लिए, और बदले में हमारी सुंदरता यीशु ने हमें दे दी। हालेलुया। विज्ञान का कहना है, जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो बच्चा बाहर आने से पहले उसके बदन से पानी और खून निकलता है, फिर उसके बाद बच्चा दुनिया में आता है। जब यीशु को क्रूस पर भाला मारा गया था, खून और पानी निकला। किसी आदमी को ऐसे ही थोड़ा सा सुई छुपाए, चाकू छुपाए, ऐसे ही सिर्फ खून निकलेगा, पानी नहीं, उसका एक अलग मतलब भी है। प्रेस लॉर्ड। सिर्फ खून निकलेगा, पानी नहीं, बट यीशु के बदन को जब मारा गया, भाला मारा गया था, खून और पानी साथ में निकला। इसका मतलब यह है, उस दिन क्रूस पर हम सबका नया जन्म हुआ, नया जन्म। और यीशु ने सब कुछ
इसलिए बर्दाश्त कर लिया क्योंकि उस दिन हमारा जन्म होने वाला था। उस क्रूस में, उसके गर्भ में, उसकी आत्मा में, उसकी कुर्बानी में यीशु ने लुधियाना के शालोम चर्च के सारे लोगों को, उसने उसी वक्त देख लिया था कि इतने सारे लोग मिलकर मेरी इबादत करने वाले हैं। जब माँ जन्म देती है, बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, माँ जब बच्चे को जन्म देती है बहुत सारे दर्द से वो गुजरती रहती है, जिंदगी मौत से गुजरती है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर ही अपने आप में ही एक अलग खुशी, एक अलग अलग उमड़, एक अलग ही खुशी, एक अलग ही आनंद उसके अंदर उमड़ता रहता है क्योंकि एक बच्चे को जन्म देने वाली रहती है। उस बच्चे की खुशी की खातिर वो सब दुख को वो सुख में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक उसी प्रकार से सारी दुनिया यीशु के खिलाफ थी, लेकिन उस दिन यीशु ने अपने गर्भ में, अपने आत्मा में, कुर्बानी में आपको और मुझे देख लिया था। उस खुशी ने सब कुछ यीशु को बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत और ताकत दी। हालेलुया, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। अगर आप और आशीषित होना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा, अजय चव्हाण मसीह दीवाना, ये मेरे चैनल का नाम है। और मेरी एक ही आरजू है, खुदा के पास जाने से पहले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को यीशु का दीवाना बनाकर उसके पास देना जाना चाहता हूँ। आमीन, प्रभु आपको आशीष।